वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं ब्लैक डेकर की स्टीम प्रेस का। एक्चुअली मैंने ये अमेज़ॉन से परचेस किया था, आई थिंक 3000 का। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है भी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो लोगों ने बहुत बदनाम किया बेचारा इसको। मैंने रिव्यू पढ़े तो बहुत इसके नेगेटिव रिव्यूज़ थे कि भाई ख़राब हो जाता है 2-3 महीने बाद जो हो जाता है। एक्चुअली मेरे को तो काफ़ी 6-7 महीने तो हो चुके हैं, बस ये ख़राब एक सेंस में होता है जो इसका वाटर लेवल कम हो जाता है और मशीन स्टिल ऑन रहती है। तो उसके हिसाब से पेटी गुड है प्राइस मनी के हिसाब से। थोड़ा सा करके देखेंगे, देखते हैं कैसा आता है। ठीक है गाइस, चलो चेक करते हैं। लाइट एकदम स्टिल हो जाए, जैसे ये हो गई है ब्लू लाइट। देखो ये स्टीम दिख रही है,